हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल एमवेसी वैट आपका स्वागत करता हूं। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम एक बहुत ही विशेष केस है उसको डिस्कशन कर रहे हैं। पारो वायरस का जो ट्रीटमेंट होता है वो डे बाय डे हम बताएंगे कि क्या करें कि वो बिल्कुल सुधर जाए। उसके लिए सबसे पहले हम डे फर्स्ट से चालू करेंगे और डे सेवंथ रिकवरी डे तक बात करेंगे। एक केस ऐसा ही मिला था हमको जिसका हमने फर्स्ट डे से ट्रीटमेंट चालू किया और सेवंथ डे पे वो कंप्लीट रिकवर हुआ है। तो हमने फर्स्ट डे पे उसका क्या किया है, पहले तो उसका वेट लिया तो 8 किलो लगभग था। तो 8 किलो जो वेट था उसके हिसाब से जो फ्लूड बनता है उसका 30 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो वो फ्लूड लगाया। और फ्लूड थेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फर्स्ट 3 डे कौन सा फ्लूड चॉइस करें। तो फर्स्ट 3 डे के लिए वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी तो हमने उसको NS पे लिया और डायरिया था तो RL दिया। और एक्टिविटी अच्छी थी उसकी फर्स्ट 3 डे पे, तो ये फ्लूड 3 दिन तक दिया है BD सुबह शाम। और उसके बाद जो सेकंड फेज था उसमें उसको वीकनेस आई, और वीकनेस आई तो उस जो पपी था वो हाइपोग्लाइसेमिया में चले गया था। तो उसके बाद हमने उसको DNS पे लिया है और DNS और NS पे लिया है। तो ये फ्लूड कंटिन्यू हमने 7 दिन तक किया और 7वें दिन पे उसका फीडिंग स्टार्ट किया। फीडिंग में फर्स्ट हमने उसको जो दिया है वो वाटर था। वाटर देने के बाद में अगर वॉमिटिंग नहीं करता तो हम सामान्यतः प्रेफर करते हैं कि उसको कर्ड दही दे। दही से भी अगर वॉमिटिंग नहीं करता है तो थर्ड जो फ्लूड हम प्रेफर करते हैं वो है राइस वाटर या जो भी उसका फूड है सेरेलेक वगैरह है तो उस पे ले जाते हैं। तो उसको सेम ऐसा मेंटेन किया और बहुत अच्छा हो गया वो। लेकिन जो 7 दिन की जर्नी थी उसकी स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो एंटीबायोटिक हमने यूज किए हैं वो सेप्ट्राइजन किया है, अमीकासिन सल्फेट किया है। थर्ड डे से ब्लीडिंग हो रही थी, हिमोरेजिक डायरिया हो रहा था तो एथम साइलेट दिया है उसको, और एंटीओमेटिक दिया है ओंडेंसेंट्रोन और एसीलॉक जो रेंडिडिन का इंजेक्शन आता वो दिया गया। और उसमें एक जो इम्यूनिटी के लिए हमने CB12 ह्यूमन प्रिपरेशन आता है, एल्डरवीड भी यूज कर सकते हैं, CB12 है वो यूज कर सकते हैं, ये भी दिया हमने कंटिन्यू BOD 7 डे के लिए। इसका जो डोज रेट है उसको आप देखने के लिए जो है मेरा एक और वीडियो डाला हुआ जिसमें डिटेल बताया है मैंने पारवो का कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप वो देखें। और इसका जो फूड है क्या देना चाहिए उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा कि क्या दे कि रिकवरी बहुत जल्दी हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें न तो खाना देना है न पानी देना है ट्रीटमेंट के दौरान। अगर आप ये देते हैं दोनों तो आपके रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। इस केस में भी बाय मिस्टेक सेकंड डे पे इन्होंने पानी पिला दिया था और जो पपी था बहुत ही वीक हो गया था। तो ये गलती न करें, जब ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो उसको पूरा ड्रिप पे रखें और उसका अच्छे से इलाज करें। पी दस्त लगे थे फिर बाल कुमार ले गए थे, 2 रोज इलाज चला, फिर यहाँ पर पानी पिला दिया इसको, तो पानी से फिर उल्टी दस्त चालू हुए। फिर 7 रोज इसको ना पानी दिया ना कोई खिलाया, उसके बाद ये ठीक हो गई और आज ओके है। 7 रोज तक बाटल और उस पे रखा है, बाटल पे इंजेक्शन और बाटल पे रही। 7 दिन तक इसका ड्रिप पे रखा है और अभी ये बढ़िया हो गया। अभी खा रहा है बढ़िया खा रहा है अभी स्वस्थ हो गया, ये स्वस्थ हो गया है ना। अब इसको 15 दिन बाद वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी शानदार है पप्पी।